शांति हम बाबा मिलन की कल की मुरली देखते हैं ना ये मुरली है 18 जनवरी 2003 की 18th जन 2003 की है ये मुरली जी शांति बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है। बाप दादा ने क्या देखा कि अमृत वेले मेजोरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है जब हम मॉर्निंग में ना सुबह याद में बैठते हैं तो वो नशा वो उमंग उत्साह और वो एक्सपीरियंस जब हम एक तरीके से पार्ट से भी पूरी तरीके से डिटैच होके स्पेशली याद में हैं तो बहुत ही बाबा ने का बहुत अच्छा रहता है नशा लेकिन कर्म योगी की स्टेज में जो अमृत वेला का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है लेकिन जैसे ही अब ये आत्मा शरीर के द्वारा पार्ट भी बज रहा है कर्म भी हो रहे हैं तब आत्मा अपने सत्य में और उस एक उसमें उस में वहां से हट जाते हैं तो लेकिन कर्म योगी की स्टेज में बाबा ने कहा वो अंतर रहता है तो इसमें कारण क्या है कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है कर्म करते हुए सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है तो एक होता है सोल कॉन्शियस एक होता है रोल कॉन्शियस है ना रोल जो प्ले हो रहा है सीन जो चल रहा है उसमें हाँ उसमें आ, रोल कॉन्शियस लेकिन यहाँ बाबा कह रहे हैं कि रोल कॉन्शियस नहीं जब आत्मा शरीर में है और शरीर से कर्म चल रहे हैं कर्म हो रहा है तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं अब ये कर्म कॉन्शियस क्या है क्योंकि ये रोल कॉन्शियस की बात नहीं है सिर्फ कर्म कॉन्शियस कहीं ना कहीं हाँ कर्म कॉन्शियस को कैसे समझेंगे डूंग में फोकस हाँ तो डूइंग में फोकस नहीं रखें फिर ना डूइंग में कोई फोकस नहीं रखेंगे कर्म अच्छा हो ऐसा कर्म कॉन्शियस हु? मैपन रहता है रिजल्ट ओरिएटेड हाँ जल्दी जल्दी हो जाए मैपन रहता है कर्म में कर्म ही कर्म ही मैं बन जाती हूं हम्म मैं कर रही हूँ तो फल की इच्छा भी है मैं कर रही हूं तो यहाँ पर ये हमें स्पष्ट है बार बार जैसे हम जितना शरीर से और पार्ट से आने जाने की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से गए ना? अपनी दुनिया से फिर यहाँ पर आए बार बार आने जाने की प्रैक्टिस करते हैं तो हमको शरीर और पाठ और कर्मों पाठ मतलब सारे जो कर्म हो रहे हैं ना तो पाठ में एक तो बाह्य कर्म भी आ जाते हैं फिर स्थूल कर्मेंद्रियों के कर्म तो है ही फिर सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के भी कर्म है ना कर्म मतलब सूक्ष्म कर्मेंद्रिया भी अपना चल रही है तो जितना हम आत्मा यहाँ से अपने घर से यहाँ पर आती है बार बार आती है जाती है बिल्कुल जैसे न्यू सोल ना? हर बार हम यहाँ वापस आए तो न्यू सोल आई तो ऐसे जो ये बार बार आ, इससे खाली होना ना माना बेगर बनना बेगर किससे बनना खाली किससे होना जो कर्म कॉन्शियसनेस है इससे बार बार बेगर बनना इससे खाली बनना खाली होना अपने को खाली करना कैसे मैं कंप्लीट आत्मा दोबारा यहाँ आई हूं ये जितना जितना करते हैं तो हमको ये भी स्पष्ट अनुभव होता है कि ये भी अपने आप जैसे चल रहा है है ना सीडी के जो गाने हैं वो अपने आप चल रहे हैं तो अब बाबा कहते हैं इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा कौन सी आत्मा वो तो जानते ही हो जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं ऐसी आत्मा ना भिन्न भिन्न जो समान मिले हैं है, कौन सी आत्मा तो स्वचिंतन है स्वचिंतन करो और साथ में बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्मा करण हार सॉरी नॉट करण करावन हार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी हैं लेकिन कर्मचारियों है, से करम कराने वाली मैं करावन हार हूँ न्यारी हूं तो मैं आत्मा बिल्कुल स्थिर बैठी हुई हूँ ना मैं एक ऑब्जर्वर के रूप में बैठी हुई हूँ करावन हार हूँ करावन हार को कुछ करना भी नहीं पड़ेगा बस उसको प्रेजेंट होना है तो आत्मा तो शरीर में प्रेजेंट ही है तो करावन हार बैठा हुआ है और करने वाले जो है जो करण हार है वो अपने आप सब कर रहे हैं तो ये एक सेपरेशन हम लाते हैं बार बार आने जाने की प्रैक्टिस करने से ये सेपरेशन क्रिएट होता है कि ये यहाँ प्रेजेंट है आत्मा है ना ये शरीर में यहाँ पे स्थूल रीति से प्रेजेंट है आत्मा और जितना मैं करावन हार मैं बिल्कुल स्थिर बैठी हुई हूँ अचल अडोल यहाँ बैठी हूँ ज्योति स्वरूप तो ये है डायरेक्टर ये है ऑब्जर्वर ये बैठा हुआ है और ये सब चल रहा है अपने आप हाँ। तो क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से निमित सेवा कराने वालों से सेवा कराते डायरेक्शन सेवा कराते डायरेक्शन देते ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूं तो अपने को करावन हार शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझ कर कार्य कराओ जैसे किसी को गाड़ी चलानी है है ना किसी को स्कूटी चलानी है बाइक चलानी है है ना साइकिल चलानी है तो एक है कि मैं चलाने जा रहा हूं है ना मैं चला रही हूँ ऐसे ऐसे अपनी थोड़ी थोड़ी ऐसे चेकिंग करनी है होश में लाना है है ना मैं जा रही हूं मैं चलाने जा रही हूँ ऐसे थॉट आएगा तो मैं नहीं मैं बैठी हूं यहाँ पर ये हाथ चलेंगे पैर चलेंगे मैं बैठी हूँ तो ये जैसे हम अपने को इससे खाली करते हैं मुझे करना मुझे करना का गीत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है सबके लिए ना अब जो ड्रामा का जो सीन है और अब इस ड्रामा के सीन में जो सारी आत्माएं एक तमोप्रधानता की स्क्रिप्ट से पास हो रही है ना? तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्म कॉन्शियसनेस बहुत हाई रहती है मुझे करना है मुझे कराना है मैं कर रहा हूँ किसी को तो बस बैठे बैठे भी ऐसा रहता है कि मेरी वजह से ये पूरा घर चल रहा है ना तो ऐसा इतना डीप हो जाता है ये पार्ट से अटैचमेंट का एक बहुत सबसे स्ट्रोंगेस्ट जो नॉट है वो है मैं कर रही हूँ या मुझे करना है ना तो आज बाबा इसकी बात कर रहे हैं रोल कॉन्शियसनेस भी ऊपर की चीज है लेकिन उससे भी डीप है कर्म कॉन्शियसनेस और बाबा हमको ये कंप्लीट रिवर्सल कर रहे हैं कि कर्म क्या करने हैं कौन से करने हैं कर्म अच्छे होने चाहिए कर्म प्रधान बनो नहीं ना बाबा हमें बीइंग पे लाते हैं कि धर्म आत्मा का धर्म क्या है जब ये डायरेक्टर जगेगा तो कर्म अपने आप अच्छे ही होंगे सो so, भक्ति में हम ध्यान रखते हैं कर्मों का है ना बाहर से क्या कर रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं थाली अच्छे से सज गई है है ना सारा सामान आ गया है अच्छे से लेकिन अंदर में आत्मा का जो धर्म है वो बिल्कुल भूला हुआ है ना उसमें बहुत अशांति है उसमें बहुत टेंशन चल रही है तो यहाँ पे बाबा कह रहे हैं जो डायरेक्टर है वो अपने साथियों से काम कर वक्त भूलता थोड़ी है ना भूलता थोड़ी है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो बस ये ऑब्जर्वर जगह तो मुझे नहीं चलानी है गाड़ी ना मुझे नहीं चलानी है जाके बाइक स्कूटी जो भी मैं आत्मा प्रेजेंट मुझे नहीं खाना बनाना है ना ऐसे बस अपने से बात अपने से बात बाहर में कहने वाली बात नहीं है ना कोई कहे खाना बनाओ कहे मुझे थोड़ी बनाना है न? ऐसा नहीं लेकिन मैं आत्मा यहां प्रेजेंट हूँ और करावन हार प्रेजेंट है हार ये ये करेंगी तो इससे जैसे हम इससे खाली हो रहे हैं ना बार बार ये मैं के गाने से तो जितना अपने को फ्री कर रहे हैं उतना आत्मा जो एक्चुअली में है ही एनर्जी और एक्चुअली में है ही अथक तो उसका हम फील कर पाएंगे एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि मैं हूं ही अथक अदरवाइज क्या है कि जितना है तो आत्मा अथक ही आत्मा एनर्जी है वो अथक ही है लेकिन अथक को समझते हैं कि कर्म के लेवल पर भागते दौड़ते रहना वो अथक है वो एक्टिव है एक्टिव वो नहीं है वो तो कर्म बहुत करेगा पार्ट से भागेगा हर चीज करेगा और अंदर में और गाने गाएगा कि मैंने किया मैंने किया मैंने ये भी करना है मुझे वो भी करना है तो वो अथक नहीं है ना अर्थात मतलब आत्मा जागृत है आत्मा होश में है ऑब्जर्वर जगह हुआ है इंद्रियों को यह सब करना है तो वो मुझे करना है उस गाने से फ्री है ना और खुद को खुद से उस फ्री करना है खुद से उसको छुटा, छोड़ना है उस चीज को अपने को छुटाना है उससे है ना क्योंकि वास्तव में मुझे आत्मा को थोड़ी स्कूटी चलानी है और खाना बनाना है, है ना वो तो पार्ट अनुसार होगा ना मैं तो आत्मा बैठी हुई हूँ मैं आत्मा के हाथ निकल आएंगे वो चलाएगी नहीं ना तो ये बार बार मुझे करना मुझे करने का एक ऐसा बोझ चढ़ता रहता है ना इट इज अ फीलिंग की फीलिंग बढ़ती जाती है न? तो अपने को करावन हर शक्तिशाली आत्मा हूं ये समझ कर कार्य कराओ न? करो नहीं कराओ कराओ मतलब जस्ट बी प्रेजेंट प्रेजेंट मतलब कि मैं कौन इसमें होश में रहो प्रेजेंट मतलब ये नहीं प्रेजेंट मोमेंट में प्रेजेंट रहो वो तो एक माइंडफुलनेस और वो है वो एक अलग चीज है लेकिन यहाँ हम प्रेजेंट कह रहे हैं मतलब मैं कौन हूं ये स्मृति रहे तो ये आत्मा और शरीर वो करणहार और वो ना ये स्मृति मर्ज हो जाती है आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया एक डायरी देखी थी ना सारी डायरी में एक ही शब्द कि मैं भी आत्मा जसोदा भी आत्मा ये बच्चे भी आत्मा आत्मा है आत्मा है बस है ना ये प्रैक्टिस तो ये फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो ये पहला पार्ट मैं कौन इसका बार बार अभ्यास चाहिए चेकिंग चाहिए ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा ये तो है ट्रुथ है कि हम सब हैं ही आत्मा लेकिन वो स्मृति मर्ज रहती है और फिर हम कहें कि मैं तो हूं ही आत्मा तो वो बात नहीं हो रही है ना यहाँ पे आत्मा के पास पावर है टू एक्सपीरियंस ट्रूथ है वो ट्रुथ आत्मा है अथक आत्मा कभी थकती नहीं है वो है एनर्जी लेकिन टू एक्सपीरियंस दैट इज माई ट्रुथ तब ये सत्य हुआ तो ये पहला पार्ट मैं कौन तो इसका बार बार अभ्यास चाहिए इसलिए बाबा ये नहीं कहते बस मैं हूँ ही ये और बैठ जाओ अभ्यास करो ना उसका स्मृति को जगाओ तो चेकिंग चाहिए ऐसे नहीं कि मैं तो हूं ही आत्मा अनुभव करें कि मैं आत्मा करावन हार बन करण करा रही हूं करण हार अलग है और करावन हार अलग है सीडी अलग है गाने अलग है ना या कहें कि सीडी अलग है और सीडी प्लेयर अलग है ना सीडी प्लेयर में डालेंगे तभी गाने बजेंगे तो सीडी अलग है सीडी प्लेयर अलग है आत्मा अलग है शरीर अलग है आत्मा अलग है और जो कर्म होने हैं वो अलग है तो ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि ये कर्मेंद्रिया कर्मचारी है तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों कर्मचारियों से हालचाल पूछा है ना तो जैसे ब्रह्मा बाप ने ये अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा चाहे कर्म का हिसाब भी चुप करना पड़ा लेकिन साक्षी हो न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे ऑब्जर्वर जगा हुआ है दृष्टा आत्मा जगी हुई है तो वो साक्षी है और कर्म के जो हिसाब है वो आ रहे हैं तो कल जैसे बाबा ने कहा कि सूली को कांटा भी बनाना ये भी फाइनल स्टेज नहीं है फाइनल स्टेज क्या है दृष्ट आत्मा जगी हुई है साक्षी है तो अपने आप वो कांटा जो है वो भस्म हो गया चुभे भी नहीं तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि उसने कर्म कूटा नहीं है ना हिसाब किताब को बैठ के उसको भोगा नहीं, नहीं? हिसाब किताब के वश नहीं हुए नहीं? नहीं? औरों को कर्म के हिसाब किताब चुप होने का अनुभव कराया आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है नहीं मालूम पड़ा ना जो एक्चुअल में जागृत आत्मा की जो स्थिति है, तो अंदर ही ये जैसे हम बहुत अच्छा लगता है हमको ये बात कि कहावत चलती थी ना ये कि हाथी के दांत क्या खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और न? तो हमको ये बात ये बहुत अच्छा लगता है जैसे रॉयल्टी की निशानी लगती है ये कोई वो बुरी बात कोई चीटिंग की बात नहीं है लेकिन हाथी जैसे महारथी जो है तो दिखने में कुछ और आएगा है ना दिखाने के कुछ और और खाने के कुछ और मतलब असली में उसका जो ये कोई वो बात नहीं है डुअल डुअल की बात नहीं है कि दो पर्सनालिटी है ऐसा नहीं है इसमें क्या है कि वो बाहर से आपको दिखेगा ही नहीं कि वो अंदर में क्या चल रहा है अंदर में क्या काम हो रहा है तो बाबा बच्चों के साथ बैठे बैठे अव्यक्त हो गए है ना बैठे बैठे इतना काम उनका हो रहा है अंदर से सब कुछ फ्री हो रहा है सारे हेड्स जो है वो टूट रहे हैं और किसी को खबर ही नहीं सबको थोड़ा थोड़ा ऐसा फील होता था बीच बीच में है ना लेकिन ऐसे कोई आ, ऐसे मतलब ज, जैसे कि जा रहे हैं जा रहे हैं ऐसे कोई वो नहीं है ना इतनी ऊंची स्थिति सोचे कृष्ण की जो आत्मा जिसको कृष्ण का पार्ट बजाना है वो अंदर से उसका कैसे वो फ्री हो रही है तो इसका ऐसे भनक नहीं तो कितना बाबा कहते ना बट वेरी वेल नोन इतना अनोन होता है वो कि वो जो वेल well नोन वाला जो पार्ट है वो कहीं और बचता है है ना एज कृष्णा वेरी वेल नोन बट एज ब्रह्मा एज द एफर्ट मेकर पुरुषार्थी Unknown. ना दुनिया में नहीं पता है क्या हुआ कैसे हुआ कृष्ण कैसे बना ये गुप्त ये गुप्त ना? ये है महारथी और साथ में बाबा आ रहे हैं हैं बैठ रहे खिचड़ी खा रहे हैं जा रहे हैं कमरे में डेली डेली क्लास में आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन बनते बनते ना पता ही नहीं चला यहाँ पे आप लोग जानते होंगे फिर भी जस्ट शेयरिंग डिफरेंट टेंजेंट पे की जगदीश भाई है ना जिसको बाबा कहते हैं इसकी बुद्धि कितनी सात फुट की बहुत जगदीश भाई का बहुत उनको ब्लेसिंग बाबा की वरदान एक तरीके से है ना तो उनको जब वो आए अः एट में मधुबन तो उन्होंने बाबा को देखा और वो रहते थे दिल्ली ना तो वो आए और किसी काम से शिवरात्रि में कुछ होना था ना? कोई बुक वुक लिखनी थी उस काम से वो आए और उन्होंने बाबा को पहली नजर में देखा ना? और उनको हो गया कि बाबा को अव्यक्त होना है ना अब ये आत्मा अब शरीर में नहीं रहनी है वो सिक्सटी एट में आए और उनको तुरंत ही आभास हो गया कि बाबा अव्यक्त होने वाले हैं ना और बाबा को ये आभास हुआ कि अभी यहाँ पे किसी को नहीं आभास हो रहा है ये किसी को ये महसूसता नहीं है लेकिन इसको समझ आ गया तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम वापस जाओ दिल्ली जाओ तो भाई ने पूरा शेयर किया है ना कि बाबा कह रहे हैं बेटा बच्चे दिल्ली जाओ और मुझे पता है अभी क्या होने वाला है मुझे पता है बस कुछ दिन बचे हैं तो वो बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बाबा लेकिन बुक लिखनी है ये लिखनी है तो बाबा कह रहे हैं नहीं नहीं तुम अभी दिल्ली जाओ अभी तुम क्योंकि इसको पता चल जाएगा तो ये सबको बताएगा ऐसा बाबा को लगा कि अभी ही ये धीरे धीरे किसी को बता ना दे किस दादी को या किसी को क्योंकि दादियां तो उस समय इतना सोचते नहीं थे बहुत भोले थे तो तो उनको उनको नहीं था कि बाबा अव्यक्त होने। उनको था कि कि बाबा बाबा अव्यक्त तो पूरा सौ साल है ना पूरा संगम युग के एंड तक रहेंगे दो सौ साल के भी हो जाए तब भी तो वो उनका इनोसेंस था लेकिन भाई का अलग तरीके से है ना बुद्धि का वो ब्लेसिंग से तो उन्होंने बताया वो कैसे मतलब इतना दिल पे पत्थर रख के ट्रेन स्टेशन पे इतना उनको आंसू आ रहे थे रो रहे थे कि मुझे पता है कि मेरा मतलब मेरा जो पिता है है ना लौकिक रूप से या अलौकिक रूप से वो अभी जाने वाला है और उसके मैं फाइनल ऑर्डर है उसका मेरे प्रति कि तुम वापस जाओ तो दिल भी नहीं है लेकिन जाना भी है कहा है तो फिर वो वापस गए और वो कहते थे कि मैं डेली बस बेड के पास फोन रखा रहता था दादी गुजार और जगदीश भाई के कमरे के बीच में फोन रखा रहता था तो वो बताते हैं कि मैं बस फोन बचता था और मुझे होता था कि खबर आई खबर आई ना हमेशा ऐसे बैठते थे कि फोन बजेगा और मैं सबसे पहले पिक करूं तो ऐसा ही हुआ फिर ना फिर जब दादी प्रकाश मनी का फोन आया तो भाई ने जाके पिक किया और दादी ने कहा भी बाबा अब व्यक्त हो गए ना आ जाओ तो कैसे जो आत्माएं नजदीक की हैं उनको आभास हो जाता है।, है ना दिल का शुद्ध प्यार है ये ना ये दिल का शुद्ध प्यार है जो कहा ना जैसे जैसे बुद्धि सेम है तो वो हमारा परिवार होता है जिसके साथ हम सत्युग से पूरे कल्प जो चलते हैं ना तो बुद्धि का पे है सारा मदार तो जैसी जैसी बुद्धि है वो सब साथ आते जाते हैं ना तो ये भाई जगदीश भाई है सब बाबा की बुद्धि के जैसे जो बाबा कर रहे हैं वैसे ही बुद्धि को घुमा रहे हैं तो सब साथ में तो साथी वाले जो है समीप आत्मा उनको कैसे आभास हो जाता है हुँ? तो उनको आभास हो गया तो अब यही बाबा कहते हैं कि आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है नहीं मालूम पड़ा ना तो इतना न्यारा इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ है ना बहुत काल से ये अभ्यास किया हुँ? साक्षी स्थिति हाँ न्यारा अशरीरी स्थिति तब जाके बहुत काल के अभ्यास से अंत में फिर वही स्वरूप बना ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह बहन छोड़ देंगे नहीं बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावन हार स्थिति का अनुभव चाहिए अंतकाल चाहे जी, जवान है चाहे बूढ़ा है चाहे तंदुरुस्त है चाहे बीमार है किसका भी कभी भी आ सकता है अंतकाल इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो आत्मा द्रष्टा ऑब्जर्वर जगी हुई है वो मन की कहानी से भी सेपरेटेड है बुद्धि बुद्धि की जो आ, पारस का इस्तेमाल भी कर रही है है ना बिहाइंड द सीन्स रियलिटी को भी देख रही है यहाँ पे पार्ट भी बज रहा है रोल भी चल रहा है लेकिन वो अंदर से सबसे सिमटी हुई है ना ऐसा बार बार अभ्यास करना ऐसा बार बार अभ्यास करना जैसे एकदम हम सिमट के आत्मा अपने सत्य स्वरूप में है सब कुछ चल रहा है और हम सिमटे हुए है ना ऐसा बार बार पावर टू विड्रॉ का इस्तेमाल करेंगे बार बार ये अभ्यास करेंगे तो फिर सहज रहता है ना तो ये शरीरपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं तो बहुत काल शब्द का मतलब बहुत साल नहीं है ना बहुत काल शब्द का मतलब बहुत सारे दिन बहुत सारा साल बहुत सारा टाइम नहीं? बहुत काल का मतलब है बहुत काल मीन्स की क्वालिटी क्वालिटी जितनी प्योर है एफर्ट की नहीं? आत्मिक स्मृति में आने की आत्मिक अनुभव की क्वालिटी जितनी रिफाइंड है तो हर बार वो ऐड होते जाता है तो जितना भी समय है उसमें हाई क्वालिटी ऐसा बहुत काल और ये बहुत समय से जितना हम समय देंगे उतना ही क्वालिटी रिफाइंड भी होती है तो अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो तब अंत मते देवता निश्चित है अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो सॉरी एक लाइन में सुई है कि क्या भी हो सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का करावन हार की स्टेज का अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है ना अभी भी आत्मा बैठी हुई है ना आत्मा दृष्टा है एक जो ये कटपुतली है इससे शब्द निकल रहे हैं शरीर कैसे कैसे बैठा हुआ है आत्मा ऑब्जर्वर वो देख रही है जो आंखें हैं ना उससे कुछ दिख रहा है सामने स्क्रीन है आत्मा है सब बस जैसे अननोन रीति से आत्मा जस बैठी हुई है प्रेजेंट है पर और ये सब कुछ चल रहा है ना शरीर के भी क्रियाएं चल रही हैं शरीर के अंदर सेकंड सेकंड कितनी सारी चीजें चल रही हैं कितनी सारी क्रियाएं हो रही हैं दिल की लंग्स की लिवर की सब कुछ चल रहा है ना? बाहर से पार्ट भी चल रहा है शब्द भी निकल रहे हैं अपना जो लॉजिकल जो ब्रेन है वो भी अपना देख रहा है कहाँ पे इधर जरूरत है इधर उधर सब सब कुछ वो भी कर रहा है आत्मा यहाँ बैठी हुई है ना आत्मा ऑब्जर्वर है ऐसे कानों से फिर सुन भी रहे हैं शब्द जा रहे हैं आत्मा बैठी है आत्मा जिसका स्वरूप ही है बाबा जैसा है ना इनोसेंट प्योर लाइट बैठी है अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है ब्रह्मा बाप समान बनना है अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना है निराकार स्टेज की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फरिश्ता स्टेज निराकार स्टेज की जितनी प्रैक्टिस है उतना फरिश्ता ही स्टेज बनती है ना तो दो अलग चीजें नहीं है साथ में ही चलती हैंड इन हैंड तो बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है ब्रह्मा बाप समान बनना है अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना तो जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा बात सुनते बात करते कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते न्यारे हैं बस इसको ये अपने अंदर में ये लॉ जलाई कि अभी मैं आत्मा यहां बैठी हूं शब्द भी निकल रहे हैं खुद के कान भी सुन रहे हैं ना मैं आत्मा बैठी हूँ यहाँ पे कैसे पार्ट बज रहा है ना अपने आप आपे ही बजते जा रहा है जस्ट मेरे होने से ना कब तक बजेगा क्या है ना, हमें नहीं पता लेकिन पार्ट ये एक बज रहा है ना फिक्स्ड पार्ट ऐसा तो बीच में हम करते हैं ना तो आप सब फरिश्ते हो बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार ले संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो हुँ? है ना ये है न्यू सोल न्यू सोल जब कहते हैं मतलब जो बार बार हम आने जाने का अभ्यास करते हैं उससे जब हम आते हैं तो एक न्यू जैसे नई आत्मा आई है जैसे एक बच्चा आया है अभी अभी ना? जिसको ज्यादा कुछ मालूम नहीं है ऐसा तो बाबा क्या कहते हैं ये जो अब आप नए बने हो नया जीवन जो है तो इसमें संदेश देने के लिए आप कहीं पर भी हो साकार में पाठ कहीं पर भी बज रहा है क्यों बज रहा है संदेश देने के लिए इस चीज नशा रहना चाहिए ना कि कहीं पर भी हमारा इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मण ऐसा अभिमान वो, वो, वाला नहीं कि हम ब्राह्मण है ये आत्मा जो कि सत्य का के स्वरूप में आ आ रही है क्या होता है अपने सत्य को एक्सपीरियंस कर रही है तो ये ब्राह्मण का पार्ट चल रहा है ना तो ऐसे में ये शरीर के पांव जहां पे भी पड़ेंगे बाबा सेस, क्योंकि तुम जितना तुम आने जाने का अभ्यास करते हो तुमको यही अनुभव होता है कि हम यहाँ पे हैं ही इस काम के लिए है ना है ही संदेश देने के काम के लिए आप ऐसा समझते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं कहीं पे जैसे अभी कल तनु शेयर किया था है ना अगर कहीं पे घर जाना है किसी की तबीयत खराब है तो ऐसा लगता है उनकी तबीयत के लिए जा रहे हैं तभी ठीक करने के लिए जा रहे हैं एक इंसान की है ना दो लोगों से अच्छे से बात करने के लिए जा रहे हैं है ना नहीं बाबा कह रहे हैं आप जाते ही हो संदेश देने के लिए कहीं पर भी पार्ट चल रहा है संदेश देने का आपको नहीं पता है वो कैसे होगा आप हमें उस पर नहीं ध्यान होता है कि कैसे देंगे संदेश क्या करना ये कोई ऐसा फिजिकल संदेश की बात नहीं लेकिन बहुत सारे मैजिकल चीजें हो रही हैं ड्रामा में तो ये बुद्धि अगर पत्थर बुद्धि के रीति से कहीं जाएंगे ना तो उसको इतना ही समझ आएगा हम जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं ना एक उसको रीजन दिखेगा हम इधर कॉलेज जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए है ना हम इनके घर जा रहे हैं ये करने के लिए बस इतना ही उसको समझ आएगा ना दृष्टिकोण बाबा कह रहे हैं आप आत्मा ब्राह्मणों के कहीं पैर पड़ते हैं सिर्फ सेवा होती है वहां सिर्फ संदेश देने के लिए अभी हम कहीं पे जा रहे हैं रास्ता भटक गए ना रास्ता भटक गए जीपीएस चेक कर रहे हैं इधर उधर घूम रहे जीपीएस लड़े झड़े जो भी करें हमें पता है यहाँ कुछ बहुत यूजफुल होना है यहाँ पे कोई सेवा होनी तभी ऐसा हुआ है तभी ऐसा हुआ है कि रास्ता भटक गए हैं ना ये सीन इसीलिए क्रिएट हुआ है बाबा को इस आत्मा को कहीं पे किसी स्थान पर लेकर जाना है ना जहां पर सेवा होगी हम्म तो ये भी छोटे छोटे सीन है हम अच्छा प्रैक्टिस करते हैं ना तो ऐसे सीन ज्यादा आते हैं तो चलिए यहाँ पे बाबा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात देह में रहते देह से न्यारा और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप का देखा है असंभव नहीं है असंभव नहीं है ऐसा करना ना बाबा कह रहे हमने एग्जाम्पल देखा है ना देखा है और जब हम जैसे ही खुद ये प्रैक्टिस करते हैं तो एक रीति से दिव्य बुद्धि से हम देख पाते हैं कि हमारे जो जिन्होंने अच्छे से ये प्रैक्टिस करी है उन्होंने क्या क्या किया है ना तो देखना सिर्फ एक स्थूल नेत्र से देखने की सिर्फ इतनी ही बात नहीं है लेकिन ऐसे बाबा कहते हैं कि देखा है तो जो भी निमित है चाहे अभी विस्तार ज्यादा है लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप के नई नॉलेज नई जीवन नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी उतनी अभी किसी की भी नहीं है ना, अभी जो है बहुत विस्तार है सेवाओं का है ना कितना सब सेवा में सब बिजी रहते हैं हु? और कली बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा से बिजी कोई नहीं था और उसके बाद भी कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि मैं बिजी हूं बाबा कहते हैं जो भी निमित है अभी कितना भी विस्तार ज्यादा है लेकिन बाबा के ऊपर ब्रह्मा बाप मतलब जो वो पार्ट था ब्रह्मा उसकी जितनी जिम्मेवारी थी नई नॉलेज की नई जीवन की ना उस पार्ट के ऊपर जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नई दुनिया बनाने की भी उतनी अभी किसी पर भी नहीं है तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थार्थ फरिश्ता बनना शिव बाप समान बनना अर्थार्थ निराकार स्थिति में स्थित होना तो मुश्किल है क्या बाप और दादा से प्यार है ना तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना जब संकल्प भी है बाप समान बनना ही है तो कोई मुश्किल नहीं सिर्फ बाबा कहते हैं कोई मुश्किल नहीं है सिर्फ क्या करो सिर्फ एक चीज यहाँ पे करनी है ना क्या करना है ना? एक चीज क्या होगी जिसको बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ एक चीज करनी है ना एक चीज क्या होगी स्मृति स्वरूप रहना, सोल चार। चार। एक ही चीज बाबा कहते हैं कि बार बार अटेंशन देना है है ना बार बार अटेंशन साधारण जीवन नहीं साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कर, कार्य करने वाले बहुत हैं, लेकिन आपके जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई कर नहीं सकता ना? ये कार्य कोई नहीं कर सकता तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप जाओ समीप आओ समीप आओ का वरदान दे रहे हैं सभी हद के किनारे चाहे संकल्प चाहे बोल चाहे कर्म संबंध संपर्क कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो अभी से जीवन में रहते मुक्त ऐसे अनुभव का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो ना तो बार बार अटेंशन देना है और अनुभव करना तो बाबा कहते हैं चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले और मधुबन वालों की क्रोध मुक्त की रिपोर्ट समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचे बाप दादा हिम्मत पर खुश हैं और आगे के लिए सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहने रखना तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा लेकिन आप सदा सेफ रहेंगे तो ऐसे सर्व ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा सर्व सामर्थ्यों को समय पर कार्य में लाने वाले विशेष आत्माओं को सभी आत्माएं कैसी है विशेष आत्माएं हैं तो सदा सर्व आत्माओं के रहम दिल आत्माओं को सदा बाप समान सदा बाप दादा समान बनने के, के संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते ना तो बाबा इस दृष्टि से नमस्ते करते हैं सब विशेष आत्माएं हैं और जो ये कार्य है जो और कोई नहीं कर सकता तो इसके लिए भी दृढ़ संकल्पधारी कार्य यही है कि इससे साक्षी होना और बार बार अटेंशन देना इसके लिए ठीक okay. है तो ये ना आज की मुरली है और अभी हम इससे कोई पॉइंट्स या कुछ शेयर करना है किसी को तो ले सकते हैं जी यहाँ पे हाँ हर हर मुरली में ये पॉइंट है ना समझ में आ रहा है कि अटेंशन प्लीज बहुत अच्छा चंदा बहन ने शेयर किया है और यहाँ भाई शेयर करते हैं कि कर्म करते कर्म करते करते भी प्रैक्टिस करना है ना एग्जाम्पल कि हैंड से काम करवा रहे हैं हम्म सभी हद के किनारे संकल्प बोल संबंध संपर्क कोई भी हद का किनारा अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दे अच्छा ये जो हमने एक्सपीरियंस आज शेयर किया इसके लिए पूछ रहे हैं कि कहाँ से पढ़ सकते हैं अम्म um, बहुत बहुत सारे जगह से है ये पर्टिकुलर एक्सपीरियंस तो आई थिंक जगदीश भाई के सारे एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन है है ना जगदीश भाई के सारे एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन है बाबा के साथ के और कई एक्सपीरियंसेस और वैसे कई बुक्स हैं जीवन कहानी है भाग्य विधाता है सारी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें सभी दादियों के सबके एक्सपीरियंसेस हैं या yeah. जगदीश भाई के सारे एक्सपीरियंसेस ऑनलाइन में है आप वो ढूंढ सकते हैं अच्छा ओके okay. और एक और क्वेश्चन है कि आत्मा एनर्जी है इसको एक्सप्लेन करिए आत्मा एनर्जी है माना कि आत्मा शक्ति है है ना शक्ति मतलब पावर पावर मींस एनर्जी जो कि उसको क्रिएट नहीं किया जाता है बनाया नहीं जाता है खत्म नहीं किया जाता है है ना आत्मा जस्ट एक पावर है शक्ति है सो एनर्जी मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल अविनाशी है तो ऐसा नहीं कि वो आ, लीन हो जाती है मर्ज हो जाती है वो जस्ट एक अविनाशी सत्ता है अविनाशी शक्ति है ना एक तो ये पॉइंट है कि ये है आत्मा एनर्जी है इसको आ, समझने का तरीका और आत्मा जहां पर जिसको एनर्जी देती है क्योंकि आत्मा स्वयं एनर्जी है मतलब लाइफ है जीवित है उसके अलावा बाकी सब कुछ कुछ भी जीवित नहीं है तो आत्मा जहां अपनी एनर्जी अपनी लाइफ देती है ना कैसे देती है अटेंशन देकर अटेंशन देकर जिसको भी एनर्जी देती है फिर वो भी लाइफ बनता है वो भी जीवित होता है तो मन के अंदर जैसे थॉट्स आए मान लीजिए है ना? कोई भी थॉट आया कि मैं तो कमजोर हूँ मैं पुरुषार्थी हूँ मुझे नहीं हूं जो भी तो इसको जैसे आत्मा ने अपना अटेंशन दिया अटेंशन देने से अब ये थॉट्स में पावर आ जाती है तो इसमें पावर आने से फिर उसका इफेक्ट पड़ेगा हाँ वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज हाँ एवरीथिंग थिंग ग्रोज राइट सो सोल इज एन एनर्जी मतलब लाइफ मतलब शक्ति है ना जीवित ये कहीं पर भी अपनी एनर्जी देगी तो इसीलिए ज्ञान से आत्मा एक तरीके से जो विस्मृति में चली गई थी वो स्मृति स्वरूप बनती है माना कि उसको संजीवनी देते हैं तो जीवित होती है आत्मा तो है ही जीवित लेकिन नॉलेज नहीं है तो फिर वो जीवित नहीं है ना तो जैसे ही उसको अटेंशन आता है कि मैं कौन हूं तो ऐसे करके आत्मा वापस है ना इसको कहेंगे हम्म होती है और सभी हद के किनारे जो बाबा ने कहा कि अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो इसको एक्सप्लेन तो ये मन जो पुराना मन है ना जो जो माया के रंग में रंगा हुआ है जो कि बहुत सारी कहानियां सुनाता है कमजोरी की और दिल शिकस्ती की कहानियां सुनाता है अब वो चाहे संकल्प के रूप से हो कोई पहले का कर्म हो कोई बोल हो हुँ? संबंध संपर्क ये सारी वो जो कहानियां सुनाता है मन इससे बाबा कह रहे हैं कि इससे इन किनारों से मुक्त कर दो अपने मन की नैया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो तो जो पुराना माइंड है ओल्ड माइंड है वो इन सब किनारों को पकड़ के बैठा है वो वही कहानियां सुनाता है तो अब मैं आत्मा जितना जितना होश में हूं तो मेरा अंदर से जो गॉड्स माइंड है ईश्वरीय मन है वो काम करने लगता है तो उसमें क्या है कि ये कहानियां चल सकती हैं लेकिन हम इस पर अटेंशन नहीं देते तो इन पर अटेंशन नहीं देना मतलब हद के किनारों से मुक्त कर दिया ठीक है ये इसका अर्थ है ठीक है तो चलिए ओम शांति थैंक यू एवरीवन अनुभव जो कहा है वो हम uh, शेयर जैसे जैसे होता है तो करते रहते हैं क्लास में और स्पेसिफिक uh, कोई अनुभव हो तो वो आप uh, अगली क्लास में आप पूछिएगा और हम उसको देखेंगे शेयर करने का ना तो अनुभव जो है वो हम लोग क्लास में अभी देख लेंगे अगली क्लास में <laughs> तो चलिए ओम शांति थैंक यू थैंक यू